हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम अच्छे हैं और आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। हम लाते हैं आपके लिए हमेशा अमेजिंग अमेजिंग रेसिपी। अमेजिंग रेसिपी देखना है तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ और जुड़े रहिएगा हमेशा। लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चले आज बनाते हैं स्पेशल रेसिपी। तो आज की रेसिपी क्या है, चलिए वॉच करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं रॉयल दूध पनीर। पनीर की बहुत सारी डिशेस आपने जरूर खाई होगी। आज हम जेके मसाले के साथ बनाने वाले हैं ये पनीर, दूध पनीर, रॉयल दूध पनीर। बहुत यमी और बहुत डिलिशियस। इसमें हम यूज करेंगे जेके का तेज पत्ता यानी वे लीव, और यूज करेंगे स्पेशल जो है वो है खसखस, यानी जेके का खसखस दाना पोस्त। तो पोस्त हम यूज करेंगे इस अमेजिंग रॉयल रेसिपी में। देखिए कितना अमेजिंग है। राइस के साथ खाइए या फिर रोटी के साथ, या फिर आप खाइए इसे पराठों के साथ या पूड़ियों के साथ, किसी के साथ भी खाइए, बहुत अमेजिंग होता है ये। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अमेजिंग, जितना अमेजिंग देखने में है उससे ज्यादा अमेजिंग इसको खाने में है। और जब खसखस में बना हो तो क्या कहना। तो दूध पनीर बनाने के लिए रेडी है ना आप? चलिए इंग्रेडिएंट कलेक्ट कर लीजिए और हमारी तरह बनाइए ये अमेजिंग रॉयल दूध पनीर, टेस्टी, डिलीशियस एंड यमी। इसको अमेजिंग बनाते हैं जेके खसखस और जेके वे लीव्स, इन दोनों इंग्रेडिएंट का जादू इसमें चलता है। तो चलिए आप भी चलाने को तैयार हो जाइए और बना डालिए। सोचिए मत ज्यादा, बनाइए हमारी तरह ये यमी डिलीशियस। ये देखिए यमी डिलीशियस दूध पनीर, रॉयल दूध पनीर। रॉयल रेसिपी के लिए चलिए म्यूजिक के बाद बनाते हैं हम ये अमेजिंग रेसिपी मैजिक विद शेफ मैन किचन ऑफ कृष्णा, मैजिक किचन ऑफ कृष्णा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बनाते हैं मसाले। ये हमने ले लिया काजू, हाफ कप काजू लिया है हमने, और 1/4 कप हम लेते हैं चार मगज, और लेंगे हम जेके का खसखस। अमेजिंग खसखस है ये फ्रेंड्स, बिल्कुल प्योर। तो ये देखिए हम ले लेते हैं खसखस, खूब सारा खसखस जाएगा, यानी 1/4 कप हम लेते हैं खसखस। इन तीनों को हम मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए इन तीनों का जो पेस्ट बनेगा वही इसका बेस है। तो इसको हम कर लेंगे ग्राइंड, सूखा सूखा ग्राइंड करना है पहले तो हमें। ये देखिए बिल्कुल सूखा सूखा हमने इसको पीस लिया। अब हम ऐड करेंगे 1.5 इंच टुकड़ा जिंजर और हरी मिर्च, चार हरी मिर्च हमने तीखी वाली ऐड की, एक टोमेटो हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे बड़े साइज का, और थोड़ा सा पानी। करेंगे इसको ब्लेंड। ये देखिए बना दिया हमने फाइन पेस्ट। तो पेस्ट तो हमारा यमी रेडी है। अब ये हमने लिया है 200 ग्राम पनीर, इसको कर लेंगे हम कट। बहुत छोटे टुकड़े नहीं करने हैं फ्रेंड्स, बड़े बड़े टुकड़े करेंगे हम। देखिए इसको इस साइज के बड़े बड़े टुकड़े करेंगे हम।
तो पनीर तो हम कट कर लेते हैं सारे। ये देखिए इस तरह से कट करेंगे हम पनीर, और अब इसको करेंगे इस तरह से कट। तो इस तरह की हम शेप बना रहे हैं। आप चाहे जैसा आपको पसंद है वैसा शेप आप बना सकते हैं। तो पनीर तो हमारे कट गए, 200 ग्राम पनीर है फ्रेंड्स, और ये देखिए इस साइज के हमने कट किए हैं। यहाँ पानी हमने बॉईल होने के लिए रखा है, पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। ऐड कर देंगे नमक यानी सॉल्ट। पानी में सॉल्ट क्यों ऐड कर रहे हैं, इसलिए ताकि जब पनीर को हम इसमें छोड़ें तो पनीर के अंदर हल्का सा नमक जरूर आ जाए। तो पानी में हमने नमक ऐड कर दिया, उसमें ऐड कर देंगे ये पनीर, और इसको फिर फ्लेम को ऑफ करके इसको ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। ऐसा करने से क्या होता है कि एक तो सॉल्ट चला जाता है पनीर के अंदर, दूसरा पनीर बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए हमने पानी के अंदर डाल दिया है पनीर, अब इसको ढककर 10 मिनट के रख देंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। दस मिनट का रेस्ट और पनीर हो जाएगा ऐसा सॉफ्ट सॉफ्ट। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो हम आपको दिखाते हैं पनीर कितना सॉफ्ट हुआ है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट रुई जैसा। तो पनीर तो हमारा रेडी है फ्रेंड्स। तो ये वाला तरीका जरूर अपनाइए, पनीर कभी भी हार्ड नहीं होगा। अब इसको हमने जाली पे निकाल दिया ताकि जो पानी है वो ड्रेन हो जाए। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल। तो खूब सारा ऑयल हम ऐड कर रहे हैं ताकि ये जो पनीर है इसको हमें करना है फ्राई। पनीर में सॉल्ट तो जा चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि सॉल्ट वाले पानी में रखा था हमने। अब इसको करेंगे हम फ्राई। डीप फ्राई नहीं करना है फ्रेंड्स, हल्का सा शैलो फ्राई करना है। बहुत ज्यादा फ्राई भी नहीं करना है, पनीर बहुत सॉफ्ट हो गए हैं इसलिए बड़े ध्यान से इसको फ्राई करना है। देखिए हमने चेक करने के लिए डाले थे, तो ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, तो सारे हम ऐड कर देते हैं। पानी हमने ड्रेन कर दिया था तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए बहुत ज्यादा फ्राई ना करें पनीर को, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जब इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं तो इसका टेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो देखिए हल्का सा हम इसको फ्राई कर रहे हैं, और ये जो फ्राई हो गए हैं उसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से निकाल लेंगे हम पनीर, बस इतना ही फ्राई करना है हमें, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट है। तो ध्यान से करें, नहीं तो ये सब टूट सकते हैं, इसलिए ध्यान से इसको फ्राई करके निकाल लें इसे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से पनीर हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। अब ये जो ऑयल बचा है इसी में हम ऐड करेंगे मसाले। ये हम ऐड करेंगे जेके का वे लीव्स यानी तेज पत्ता। बड़े बड़े होते हैं ये पत्ते, और खूब इनका जो टेस्ट है वो बहुत अमेजिंग है। तो ये दो वे लीव्स हमने ऐड किया है, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, और ऐड कर देंगे लौंग, काली मिर्च, और ये शाहजीरा। ध्यान रखें फ्रेंड्स, शाहजीरा ऐड करें, इसकी खुशबू बहुत अमेजिंग होती है। यदि नहीं है आपके पास शाहजीरा तो आप सिर्फ जीरा भी ऐड कर सकते हैं, शाहजीरा की खुशबू बहुत अमेजिंग होती है। तो यदि वो ऐड करते हैं तो जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। अब हम ऐड कर देंगे ये जो पेस्ट हमने बना के रखा है, वो पेस्ट जिसमें काजू है, मगज है, अदरक है, और क्या था, चार मगज, और पोस्तो यानी खसखस, और टमाटर, और हरी मिर्च। तो इन सबको हमने पेस्ट बनाया था, उसको हम ऐड कर देंगे, और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके उसको हम इस तरह से मिला लेंगे। ये पानी हमने कौन सा ऐड किया फ्रेंड्स, वो वाला पानी जिसमें हमने पनीर को बॉयल किया था, यानी पनीर को जिस पानी में हमने रखा था उस पानी को हमने खसखस वाले पेस्ट में ऐड करके
जो जार में खसखस लगा हुआ है उसको हम निकालेंगे इस तरह से। तो पानी भी यूज हो गया और मसाला भी पूरा निकल गया। तो ये देखिए अब इसको करना हमें फ्राई। तो फ्राई करेंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। इस मसाले को हमें पकाना है। ये देखिए जैसे जैसे आप मसाले को पकाएंगे इसकी रंगत बदलती जाएगी। फ्रेंड्स इसमें कोई हम ना तो हल्दी ऐड कर रहे हैं, ना कोई फूड कलर है और ना ही हम इसमें किसी तरह का केसर वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसका कलर किस तरह से चेंज होता है। तो ये ओरिजिनल खसखस और टमाटर का जो मिश्रण होता है ना, उसके बाद इसका कलर इस तरह का हो जाता है। ये आप देख रहे हैं खसखस हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट होने लगा है। आप देख सकते हो कि इसका जो कलर है ये कितना अमेजिंग हो गया है और बिल्कुल क्रीमी क्रीमी टेक्सचर हो गया है इसका। अच्छे से मसाला पक रहा है, ऑयल सेपरेट हो रहा है धीरे धीरे। तो ऑयल को हम अच्छे से सेपरेट होने देंगे, थोड़ा चलाएंगे फिर ढक देंगे। ऐसा करते हुए हमने इसको 10 मिनट पकाना है। थोड़ा सा हिलाएं और उसके बाद ढक दें। ये देखिए ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया। अब ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं कढ़ाई में, लेकिन थोड़ा थोड़ा चला देंगे तो चिपकने का डर नहीं होगा, क्योंकि काजू है ना इसमें वो थोड़ा सा चिपकता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा चलाते रहे। दो हरी मिर्च हमने ऐड कर दी, ये तीखी वाली हरी मिर्च है फ्रेंड्स, तो संभल कर डालिएगा। ऐड कर देंगे 15 से 20 किशमिश बड़े वाले और इसको चलाएंगे हम। ये देखिए अच्छे से। और मसाला इसका जो मेन पार्ट है वो ये है कि मसाला बड़े प्यार से भुनना है आपको। इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो मसाला जल जाएगा और आप बनाने जाएंगे दूध पनीर और बन जाएगा जला हुआ मसाला, या कुछ और कह सकते हैं आप। तो हमें तो प्यार से पकाना है फ्रेंड्स इसको। देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से पक गया है। ये देखिए बिल्कुल क्रीमी क्रीमी। तो जब इतने अच्छे से पक जाए तब आप इसमें और इंग्रेडिएंट ऐड करें। जब तक मसाला अच्छे से ना भुना हो तब तक कुछ भी ऐड ना करें। हम यहाँ पे 1 ग्लास दूध ऐड कर रहे हैं। अरे भाई दूध पनीर है तो दूध तो ऐड होगा ना, तो 1 ग्लास हम फुल क्रीम मिल्क इसमें ऐड कर रहे हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि जो दूध है वो फुल क्रीम है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दूध। आप देख सकते हैं रंगत बदल गई बिल्कुल, और जो ऑयल है वो आपको दिख रहा है अलग से सेपरेट। अब इसको हमें पकाना है। ये देखिए ये पतला नहीं रहेगा, ये गाढ़ा हो जाएगा। तो दूध के साथ ये पकेगा तो थोड़ी देर चलाते रहें, क्योंकि दूध ऐड करने के बाद क्या होता है इसमें टमाटर है तो दूध फट सकता है, इसलिए क्या करना है जब तक एक उबाल नहीं आ जाए तब तक इसको स्टर कीजिए। देखिए हमने बता दिया आपको, फिर ये मत बोलना कि हमने आपको बताया नहीं। हमने आपको बता दिया है कि दूध ऐड करने के बाद कच्चे से इसको चलाइए तब तक जब तक कि ग्रेवी में अच्छा सा उबाल नहीं आ जाए। ये देखिए कितना गाढ़ा है, और हम चला रहे हैं लगातार ताकि दूध नहीं फटे और ग्रेवी जो है उसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए। एक उबाल आने के बाद डर निकल जाता है कि दूध फटने वाला है। अजी दूध नहीं फटेगा, गारंटी है हमारी। तो ये देखिए उबाल आ गया तो दूध नहीं फटा है, देखिए कितना अमेजिंग है ये। तो यही तो खासियत है दूध पनीर की। इस तरह से नहीं बनाई है, मान लीजिए आप नहीं बनाई है तो जल्दी से बनाइए, इंग्रेडिएंट कलेक्ट कर लीजिए। अब तो आपको पता चल गया क्या क्या डालना है। अब जो स्पेशल है वो हम डालेंगे यहाँ पे व्हाइट पेपर पाउडर। व्हाइट पेपर खुशबूदार होता है और थोड़ा सा तीखा भी। यदि नहीं है तो आप ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। ये देखिए तो 1 टीस्पून व्हाइट पेपर पाउडर ऐड किया और 1/2 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स ऐड किया। अब इसको चला देंगे। अब देखिए देखिए दूध पनीर बहुत अमेजिंग है ना।
फ्रेंड्स मुझे तो बहुत भूख लग रही है और ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। नमक पहले ऐड था, यानी पनीर को हमने नमक में पकाया था, तो थोड़ा सा नमक को संभल कर डालिएगा। तो नमक हमने ऐड कर दिया, अब ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर। शुगर हमने ऐड कर दिया, अब ऐड करेंगे ये फ्राई किए हुए पनीर। ये पनीर हमने पूरा ऐड कर दिया, ये देखिए इसको अच्छे से मिला देंगे। अब ये 2 से 3 मिनट इस पनीर में और इस ग्रेवी में एक साथ मिलाकर पकाना है। 2 से 3 मिनट हमें इसको पकाना है ढककर। तो देखिए फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छा सा उबाल आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला। ये देखिए खूब सारा गरम मसाला है, ठोक के डालना है गरम मसाला। देखिए ठोक के डालने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा डब्बा ही इसमें डाल दें, सिर्फ 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं गरम मसाला। ये देखिए क्या स्वाद और क्या कलर, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, खूब खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, बहुत जबरदस्त खुशबू। अब इसमें घी नहीं जाए ये तो हो नहीं सकता, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया घी, देसी घी, प्योर घी। अब ये घी है लोटस का प्योर घी, तो लोटस का प्योर घी हमने ऐड कर दिया है यहाँ पर। और ऐड करेंगे जेके का कसूरी मेथी, देखिए क्या रंगत है बिल्कुल, और रगड़ कर ऐड करेंगे जिससे खुशबू आए। ये देखिए ऐड कर दिया हमने कसूरी मेथी खूब सारा, और रंग बिल्कुल निखर आया है कसूरी मेथी डालने के बाद, देखिए वाओ सो यम्मी डिलीशियस। अरे फ्रेंड्स ज्यादा सोचना नहीं है, बनाना है, ढक देते हैं इसको। देखिए 2 मिनट और हो गए हैं, इसको ढक दिया था हमने, 2 मिनट पकाया ढककर, और आप देखिए ये घी और ऑयल दोनों सेपरेट हो चुके हैं, और ये क्रीमी क्रीमी गाढ़ा गाढ़ा ये जो दूध पनीर है, रॉयल दूध पनीर तैयार है फ्रेंड्स, बहुत अमेजिंग। ये देखिए so delicious and so amazing, जो कलर है वो आपके पोस्त और मसालों का कलर है, कोई फूड कलर नहीं है इसमें। तो ये बनकर तैयार हो गया है अमेजिंग सा रॉयल दूध पनीर, कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग। तो फ्रेंड्स क्या सोच रहे हैं, जल्दी से बना लीजिए, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया, अब प्लेटिंग की बारी। थोड़ी देर ढक के रख दीजिए, ना भी बेसब्रा नहीं होना चाहिए। तो 10 मिनट रेस्ट करने के बाद अब हम इसको परोसते हैं बिल्कुल गर्मा गर्म। ये देखिए अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, साथ में दीजिएगा राइस या रोटी, नान, पराठे, आपको जिसके साथ खाना है उसके साथ आप खा सकते हैं। मैं तो यूं ही खा जाऊंगी क्योंकि मुझे तो यूं ही पसंद है, ये बहुत अमेजिंग टेस्ट है फ्रेंड्स, बनाकर देखिए, कसम से आपको इतना पसंद आने वाला है कि फिर आप कोई और वेजिटेबल खाना पसंद ही नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स हम तो प्लेट कर रहे हैं इसको, और इसमें जो स्वाद है वो जेके के मसालों का है, और स्पेशल पोस्तो यानी खसखस, जेके खसखस। ये देखिए प्योर बिल्कुल शुद्ध और डिफरेंट रॉयल दूध पनीर, दारुण होयेछे केनो गो, दारुण ना? तो चलो चलो तातड़ी बनाओ बनाओ ये अमेजिंग दूध पनीर, रॉयल दूध पनीर। ज्यादा सोचिए मत फ्रेंड्स और बना डालिए ये अमेजिंग रॉयल दूध पनीर, देखिए कितना डिलीशियस है,
बिल्कुल नजरें नहीं हट रही है और खाने का मन कर रहा है। जल्दी से बना डालते हैं राइस और रोटी और खाते हैं ये अमेजिंग रॉयल दूध पनीर। आप जाइए जल्दी से इकट्ठा कीजिए, कलेक्ट कीजिए सारे इंग्रेडिएंट और बनाइए बनाइए और शेयर कीजिएगा अपने व्यूज। सो डिलीशियस, वाओ, आई कैचिंग। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अच्छी लगी ना? यदि आपको हमारी रेसिपी आज की अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। और जो फ्रेंड चुपके चुपके देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक कमेंट नहीं करते, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम फ्रेंड्स की तरह रहेंगे और आप बनाएंगे हमारी अमेजिंग रेसिपी। सो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब पहले कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हम लाते हैं आपके लिए हमेशा डिलीशियस रेसिपीज। तो डिलीशियस रेसिपी बनाने के लिए मैजिक किचन हमेशा आपके साथ खड़ा है, आपके पास है। सो फ्रेंड्स, बनाइए अमेजिंग रेसिपी आज की। हम लाते हैं आपके लिए फिर नई रेसिपी, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय ऑल ऑफ यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बनाते रहिए अमेजिंग रेसिपी शेफ कृष्णा के साथ। बाय बाय ऑल ऑफ यू।